हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में मेथड इन बायोलॉजी सेक्शन के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आइए उसको हम लोग देखते और सीखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट या किस तरह का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करके इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो आपको आएगा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बताना है किसी भी गिवन प्रोटीन के लिए, अगर उसका मास दिया हुआ है तो आपको बताना, यही सवाल है, सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है, ए स्टूडेंट्स ऑब्टेन प्यूरिफाइड प्रोटीन एक्स और उसका मास दिया हुआ है 1100 डाल्टन। देन आपको करना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड कोड्स फॉर द प्रोटीन एक्स। तो आपको बताना है कि कितने न्यूक्लियोटाइड से ये प्रोटीन जो इनकोड हुआ है उसका मॉलिकुलर मास 1100 डाल्टन है। तो आपका इसके लिए ऑप्शन क्या है, 10, 20, 30। अगर आपको आता है तो आप इसको बना सकते हैं और लिख सकते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं इसका कैसे बनाएंगे और इसके लिए क्या हमको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस बात की आपको जानकारी है कि भाई अगर एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ सिंगल एमिनो एसिड की बात की जाए तो 110 डाल्टन होता है, अगर ये आपको जानकारी रहेगी तभी सवाल को आप बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना। अब करना क्या है कि हमको मालूम है कि एक मॉलिकुलर एमिनो एसिड के लिए जो मॉलिकुलर वेट है 110 डाल्टन है, तो आपका मास इतना है 1100 डाल्टन है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इससे अगर आपको डिवाइड कर दें, 110 डाल्टन से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ एमिनो एसिड निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, नंबर ऑफ एमिनो एसिड। आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कितना होगा काटने के बाद। अब नंबर ऑफ एमिनो एसिड निकल गया है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक एमिनो एसिड को जो कोड होता है उसके लिए 3 बेस या न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको बेसिकली जो भी नंबर ऑफ एमिनो एसिड निकला है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही तरीके से आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकल जाएगा कि कितने न्यूक्लियोटाइड है ना मौजूद हैं या प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन को कोड करने के बाद 1100 डाल्टन आया है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना लगेगा, 10 अमीनो एसिड और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30। तो आपका जो सही आंसर होगा 30 होगा। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप चाहें तो CSIR नेट लाइव कैंस क्लब से जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लगे अच्छा लगे तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मौजूद है जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।